राहुल गांधी ने उड़ीसा में एक जनसभा को किया संबोधित, कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अभी भी निचले स्तर तक नहीं पहुंच पाता, इसके लिए राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा जन लोकपाल विधेयक के लिए जा सकते हैं किसी भी हद तक। आम आदमी पार्टी ने कहा केंद्र की सहमति के बिना पेश होगा जन लोकपाल बिल। तेलंगाना विधेयक संसद में अगले हफ्ते हो सकता है पेश। संसद में विधेयक के पास होने को लेकर कांग्रेस आश्वस्त, भाजपा इस विधेयक का करेगी समर्थन, लेकिन आंध्र प्रदेश में सभी क्षेत्रों के लिए न्याय की करेगी मांग। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति तय करने के लिए जनता दल यूनाइटेड की दो दिवसीय बैठक आज भी जारी। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने बताया कि पार्टी नेताओं को 11 दलों के साथ संसद में साझा रणनीति के लिए बनाए गए मोर्चे की जरूरतों के बारे में बताया गया। दक्षिणी दिल्ली के मुनिरका इलाके में किशोरी का उसके मकान मालिक के बेटे द्वारा बलात्कार का मामला सामने आया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ वसंत विहार पुलिस थाने में बाल यौन अपराध संरक्षण कानून के तहत एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि देश में लोगों को बैंकिंग सेवा का महत्व समझ में आने लगा है। शनिवार को तमिलनाडु के शिवगंगा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडियन बैंक की 108 शाखाओं का किया उद्घाटन, कहा अगले महीने तक देश में 10,000 नई बैंक शाखाएं खोली जाएंगी। सऊदी अरब के पवित्र शहर मदीना में एक होटल में आग लगने से कम 15 जायरीनों की मौत और करीब 130 लोग जख्मी। यूक्रेन में सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी, शनिवार को राजधानी कीव में जमा हुए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड तोड़कर सार्वजनिक इमारतों में घुसने की कोशिश की। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति यानुकोविच के उस निर्णय का विरोध कर रहे हैं जिसमें उन्होंने यूरोपीय संघ से आर्थिक करार खत्म कर रूस से मदद लेने का फैसला किया था। तुर्की में इंटरनेट के इस्तेमाल पर सेंसरशिप संबंधी कानून के खिलाफ इस्तांबुल में विरोध प्रदर्शन जारी, इस विधेयक में इंटरनेट पर नियंत्रण का है प्रस्ताव। पेरू का दक्षिण पूर्वी शहर क्यूरिटो माल्डिनाडो इन दिनों बाढ़ की विभीषिका झेल रहा है। लगातार बारिश के कारण नदियों में पानी उफान पर है और इसके कारण आसपास के इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा। निचले इलाकों में रह रहे हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। फ्रांस के आल्प्स पर्वत इलाके में एक बड़े चट्टान के ट्रेन से टकराने के कारण हुए हादसे में कम 2 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग घायल। पहाड़ी इलाका होने और लगातार बर्फबारी के कारण राहत कार्यों में भी मुश्किलें आईं। ऑकलैंड टेस्ट में शिखर धवन का शतक गया बेकार, 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत 40 रनों से हार कर श्रृंखला में 1-0 से पिछड़ा।